लगातार क्यों निकी तंबोली दिशा प्रमार और राहुल वैद्य की शादी में नहीं आई? क्या उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था या फिर क्या कुछ कारण है नहीं आने का निकी तंबोली का राहुल वैद्य और दिशा प्रमार की शादी में? आपको बताती हूँ इस वीडियो में, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं डेली फिल्म्स। डेली फिल्म्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट को जानिए और अपडेटेड रहिए। सो दोस्तों, आपको बता दूं कि निकी तंबोली नहीं दिखी और बाकी सब उनके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स सब दिखे। अली गोनी, जैस्मिन बसीन, अनुष्का सेन, अर्जुन बिजलानी, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के जो भी कंटेस्टेंट उनके फ्रेंड्स बने थे वो भी नजर आए, पर निकी तंबोली नहीं नजर आई। निकी तंबोली का ना आने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं जी दोस्तों। वहीं एक कारण ये सामने आ रहा है कि निकी तंबोली को दिशा परमार बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। जब बिग बॉस में विकास गुप्ता गए थे तो ये बोलते नजर आए थे कि दिशा परमार को निकी तंबोली की बोली नहीं अच्छी लगती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से निकी तंबोली और राहुल वैद्य का खट्टा मीठा वो रिश्ता था बिग बॉस में, वही रिश्ता उनको आई थिंक नहीं पसंद आया और निकी तंबोली को नहीं पसंद करती थी दिशा परमार, इसलिए उनको शायद इन्विटेशन नहीं भेजा या फिर निकी तंबोली का आई थिंक नहीं आने का मन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए भी नहीं आई। निकी तंबोली की यहाँ पे कमी सब लोगों की खली और सब लोग यही जानना चाहते थे कि निकी तंबोली क्यों नहीं आई दिशा परमार और राहुल वैद्य की शादी में। हालांकि उनके रिश्ते थोड़ी सुधार हुई थी जी हाँ दोस्तों, जब से उन लोग खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में एक दूसरे के साथ पीक या फिर एक दूसरे का उस बारे में अच्छा बोलते नजर आए, वही ये रिश्ते सुधर तो गई है। पर नहीं आने का रीजन यही है कि दिशा परमार को निकी तंबोली उतना खास नहीं पसंद आई। सो आपको क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और टेलीफोन से बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। थैंक यू।